नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है उन माता पिता के लिए जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है या जो पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो दोस्तों, मैं अधिक समय नहीं लूँगी और आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताऊँगी जिनको करने या सिर्फ सोचने मात्र से ही कामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं जिनकी हम निष्ठा से पूजा अर्चना करते हैं, पर हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसे जागृत देव हैं जिनकी पूजा या सिर्फ नाम जाप मात्र से ही पुत्र की कामना पूरी हो जाती है। वो एकमात्र देव हैं सूर्य देव। इनकी महिमा का वर्णन जगत विख्यात है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान श्री राम भक्त हनुमान के गुरु हैं सूर्य देव, और जब हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले महाबली हनुमान के भी गुरु हैं हमारे सूर्य देव, तो उनकी महिमा की क्या ही व्याख्या करूं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव से सच्चे हृदय से जो भी कामना की जाती है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो दोस्तों, हर किसी से संभव नहीं हो पाता है कि वो हर रोज सूर्य देव को जल चढ़ा पाए। तो जरूरी नहीं कि आप जल ही चढ़ाएं या कोई मंत्र पढ़े, बस सच्चे हृदय से सूर्य देव का नाम लें और श्रद्धा पूर्वक अपनी मनोकामना हर रोज सुबह उठकर सूर्य देव को कहें। सूर्य देव की नाम जाप मात्र से ही जिनको औलाद नहीं होती उनकी भी गोद भर जाती है। छठ जैसे महापर्व में आपने देखा होगा कि लोग सूर्य देव से अपनी मनोकामना मांगते हैं और सूर्य देव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जिनको औलाद नहीं होती सूर्य देव उनकी झोली भरते हैं, और जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं सूर्य देव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो अगर आप रोजाना सुबह उठ करके सूर्य देव से अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। सूर्य देव से मांगी गई मनोकामना कभी भी विफल नहीं हो सकती है। आप सूर्य देव से आराधना करें, रोज सुबह सूर्य देव को कहें कि आपको पुत्र की जरूरत है, वो आपको पुत्र दें, और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि सूर्य देव हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें।